नमस्कार। कोरोना कोरोना करोना, ये करोना वो करोना, ये है हमारा कोरोना। कोरोना क्या है? कोरोना हमारा नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। कोविड-19, कोविड को मीन्स होता है आपका कोरोना, वी इक्वल टू आपका हो गया वायरस एंड डी डिजीज़। 19 मतलब आपका होता है 2019 में कोरोना पाया गया। तो 2019 नोवेल कोरोना वायरस के बारे में हम बताएंगे। आइए कुछ उसके बारे में थोड़ा सा कविता के माध्यम से आपको बताते हैं। कोरोना कोरोना, कल रात सपने में आया कोरोना, मुस्का के बोला मुझसे डरो ना। उसने कहा कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति, लोग हाथ जोड़कर सबका स्वागत करते हैं, तो तुम भी वही करो ना, मुझसे डरो ना। उसने कहा सादा भोजन उच्च विचार, यही है तुम्हारे संस्कार, जंग फूड के चक्कर में पड़ो ना, मुझसे डरो ना। उसने कहा शुरू से तुम्हें सिखाया गया है, जब भी बाहर से आओ तो हाथ पैर धुल के आओ, मत भूलो अपनी संस्कृति को, तो वही करो ना, मुझसे डरो ना। उसने कहा शुरू से तुम अमुख जानवरों को पाल पोस के स्नेह देते आए हो, रक्षण की है तुम्हारी संस्कृति, भक्षण करो ना, तो वही करो ना, मुझसे डरो ना। कल रात सपने में आया कोरोना, और जो मुझसे बोला वो तुम भी करो ना, मुझसे डरो ना। तो आप समझ ही गए होंगे इस कविता के माध्यम से। और कोरोना वायरस के बारे में हम बताएं कि हमारे देश में लगभग 200 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसकी सावधानी आपको अपने हिसाब से देखना है। अगर आप अपनी सावधानी स्वयं बरतेंगे तो आप खुद बचेंगे, नहीं तो फिर नहीं बच पाएंगे। कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं आइए बताते हैं। डायरिया होती है, गैस होने लगते हैं, शरीर में दर्द होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सर्दी हो जाती है, खांसी होती है, जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है निमोनिया हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, और लास्ट में ऐसी डिजीज होने लगती हैं जो सही नहीं होती है, और लास्ट में आपकी मृत्यु हो जाती है। जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों के बहकावों में मत आइए, सबसे बड़ी यह बात, आप लोगों के बहकावों में मत आइए, और ना ही कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का मास्क लेने की ज़रूरत है। हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का मास्क मिलता था, आज वो 50 रुपये से ऊपर बेच रहे हैं। आज देश की सेवा करने की बारी आई है तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे हिंदुस्तानी होने पर शर्म की बात है। मेरे गरीब बंधु कैसे उतना महंगा मास्क खरीद पाएंगे? तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटा सा रुमाल ले लीजिए या फिर गमछे का यूज कीजिए, सबसे सेफ्टी आपके लिए है। ज़्यादा ज़्यादा शेयर आप यही करिए कि मास्क का यूज ना करें, जिससे सभी लोग इतना महंगा बेच रहे हैं वो अपने आप सस्ते में बेचना चालू करें। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर आप उसके पास गए हैं, अगर आपके ऊपर वो छींक दिया है, खांस दिया, जो भी किया, अगर उसका वायरस आपके ऊपर आ गया तो आप मास्क लगाए हैं तो बच कितने टाइम तक बचेंगे? मास्क हटाएंगे आपके हाथ में तो आ ही गया है, वहाँ से हाथ से फिर चला जाएगा आपके, वहाँ से आँख नाक कान को आप ज़रूर ही टच करेंगे, और आपको फैलना ही है, फैलना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको कोरोना हुआ है उससे आप दूरी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। अगर हमें और आपको नहीं हुआ है तो कोई चांस ही नहीं है, 100% चांस नहीं है कि हम लोगों को, अगर किसी को हुआ है तभी जा कर के हमें होगा, एक दूसरे के कंटामिनेशन से होता है। तो दोस्तों आप लोग अपनी सावधानी बरतिए और देश को बचाइए। आइए हम कुछ पहले बताते हैं आपको, वीडियो देखिए। कोई कह रहा है कि मुंह पर गाय का गोबर लगाइए, कोई गौमूत्र को कोरोना का रामबाण बता रहा है, तो हम भी आपके लिए
गौमूत्र ले आए। अब ज्ञान देने वाले लोग ये गौमूत्र पीते हैं, नहीं ये हम दिखाते हैं आपको, आइए मेरे साथ। गौमूत्र और गाय का गोबर, ये इलाज है कोरोना वायरस का? जी हाँ, मैं अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मानते हैं कि गौमूत्र और गोबर से बेहतर जो है कोई इलाज नहीं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए गौमूत्र, और यही हम चाहते हैं कि इसके ज्यादा नहीं, सिर्फ चार बूंद चार घूंट इसके पी लीजिए और लोगों को बताइए, खुद भी बचिए कोरोना वायरस से और लोगों को भी बचाइए नेताजी। हाँ। ये लीजिए, तो पीना है नेताजी, क्योंकि इससे लोगों को जो है संदेश देना है। पिला रहे हैं ना? हाँ। हम पिला रहे हैं। ज्ञान तो हर कोई देता है। गिलास ले आइए। गिलास नहीं, दो घूंट पी लीजिए इसी से। गिलास ले आइए, गिलास में हम पानी डालेंगे, पानी के साथ पियेंगे हम। गौमूत्र पीने में क्या बुराई? लीजिए। तो देखा आपने, ज्ञान देने वाले खुद गोमूत्र या गोबर नहीं लगा रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा करेंगे? और सबसे बड़ी बात कि शराब पीने से ये ख़त्म हो जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शराब पीने से ख़त्म हो जाएगा, ये इससे करने से, गोमूत्र पीने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक कि कोई दवा नहीं आ जाती, इसका टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप टेम्परेचर वाली जगह पर रहें तभी जा कर के आप कोरोना वायरस से थोड़ा सा बच सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मर जाता है, तो दोस्तों इससे बचना है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप टेम्परेचर वाली जगह पे जाइए। और इसका ट्रीटमेंट तो अभी सही तरीके से मिल नहीं पाया है, कोशिश पूरी जारी की जा रही है कि हाँ हो, और आइसोलेशन भी किया जा रहा है जो लोग ऐसा उन शक में आ रहे हैं, और बहुत सी ऐसी हमारे सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है जो जल्द से जल्द हम लोगों को अच्छे हो सकें। लेकिन दोस्तों अगर हम भी उनका साथ दें तो बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। उसके लिए करना हमें क्या है, सावधानी बरतिए, आप एक दूसरे के पास ना जाइए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे भीड़ हो एकदम ही ना जाइए, जो विदेश से आया उसके पास ना रहिए, और अफवाहों से एकदम दूर रहिए। आप अपना ध्यान दीजिए, खाने पीने पे एकदम बढ़िया से डाइट पे ध्यान दीजिए, तो आप एकदम स्वच्छ रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हाथों को धुलिए, जहाँ से बाहर से अगर घूम के आते हैं तो, और अपने कपड़ों को धूप में सुखाइए। ये है आपका कोरोना वायरस से बचने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अफवाहों से संबंधित हम बहुत से ऐसे वीडियो देते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम आपको पहले ही पता चल सके। तो दोस्तों नमस्कार, चलते हैं। रात सपने में आया कोरोना, बोला मुझसे डरो ना।